हादसे की सबसे बड़ी खबर, पुलिस ने राम नर को किया प्रेस के सामने पेश। ये दिखा रहे हैं आपको, सबसे बड़ी खबर है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मैं आपका अपना ललित भारद्वाज आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि आज हम सचिवालय में पहुंचे हैं। एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा रहा है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको फिर बता देते हैं कि हादसे में लगातार प्रशासन सक्रिय है, पुलिस प्रशासन की बड़ी उपलब्धि और बड़े खुलासे हो रहे हैं, लगातार पुलिस कर रही है। क्या किया आज खुलासा आज एसपी ने, ये भी हम दिखाने जा रहे हैं आपको। लगातार हमारे साथ बने रहिए और जो भी अपडेट होती है आप तक हम शेयर करते हैं। और आपको फिर बताते हैं कि एसपी साहब बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है और क्या खुलासा किया है ये भी आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जो व्यापारी वाले मामले में राममेहर को रिकवर किया गया और आज कोर्ट में पेश करके उसकी रिमांड ली गई है 7 दिन की। जो प्रारंभिक पूछताछ में उससे जो चीज़ें आई हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। राममेहर ने इस जो सारा घटनाक्रम है, चूँकि ये कर्जे में था, इसके ऊपर 1.5 करोड़ का कर्जा था और इसने सोचा कि किस प्रकार से इस चंगुल से वो बाहर आए। उसको नुकसान हुआ फैक्ट्री में लॉकडाउन के बाद, तो उसने जुलाई में जो बीमे कराए थे और उसके बाद उसने जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि उसने सोचा था कि मैं या तो आत्महत्या कर लूँगा या किसी तरीके से अपनी डेथ दिखा के और मतलब मेरे परिवार का कर्जा चुकता हो जाएगा और फिर ये सारी जो मेरी परेशानियाँ हैं वो हल हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद उसने ये मन बनाया और कि किसी प्रकार से अपनी जो डेथ का एक ड्रामा रचा जाए और क्लेम भी मिल जाए घर वालों को, कर्जा वो चुका सके और वो अपनी एक अलग ज़िंदगी शुरू कर सके। तो इसी घटनाक्रम में जो प्रारंभिक पूछताछ अभी तक राममेहर से हुई है उसने ये बताया है कि 6 तारीख को उसने ये पैसे वगैरह जो निकलवाए हैं, पैसे वगैरह निकलवा के जैसा कि आपको पहले बताया गया था एक्सिस बैंक से जो टोटल अमाउंट करीब 11 लाख का था वो उसने निकलवाए हैं। और उसके बाद ये शाम को जो घटनाक्रम जब शुरू होता है, शाम को ये शराब पीने के लिए अपनी गाड़ी से जाता है अपने डाटा गाँव में और वहाँ पर इसको एक व्यक्ति मिलता है, उसके साथ ये दोनों मतलब दोनों वहाँ पर बैठकर शराब पीते हैं और फिर ये आगे कहीं जाते हैं ठेके पे, फिर वहाँ पर भी शराब पीते हैं और इस प्रकार इनको शराब पीते पीते काफ़ी 1-2 घंटे 2-3 घंटे हो जाते हैं। और उसके बाद जब इनकी गाड़ी जो रोड है जहाँ पर ये मिली है वहाँ पर भी ये बैठकर शराब पी रहे होते हैं, फिर इसके दिमाग में वही जो प्लानिंग इसकी चल रही थी योजना अनुसार, इसने उस व्यक्ति की जब वो ज़्यादा नशे में था गला दबाकर हत्या कर दी और उसके पश्चात गाड़ी में से डीजल एक पाइप द्वारा जो उसके पास पहले से थी उसमें से इसने पेप्सी की बोतल में डीजल निकाला है और उसको चलती हुई गाड़ी में, गाड़ी ऑन थी और फिर उसको इंजन और बाकी सब जगह छिड़क कर गाड़ी में आग लगाई है और उसके बाद ये मौके से चला गया है। तो आगे का जो घटनाक्रम है उसमें ये काफ़ी देर तक ढाणी कुतुब पुर तक ये 15 किलोमीटर करीब पैदल ये चल के आया है और उसमें काफ़ी टाइम लगा है इसको। जो 11 बजे करीब जो घटना हुई जो जलाने वाली, उसके बाद ये करीब सुबह 4:30 बजे तक ये वहाँ ढाणी कुतुबपुर में एक व्यक्ति के यहाँ इसने एक गाड़ी खड़ी कर रखी थी और वहाँ पर ये गाड़ी खड़ी थी और वहाँ पर फिर ये कुछ लोगों के साथ फिर ये आगे बिलासपुर और उधर
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ ये निकला है। तो इस सारे घटनाक्रम में अभी मर्डर की बात आई है, तो उसमें पुलिस अब आगे तहकीकात करेगी और जो भी इस घटना में और कौन इसके साथ थे उसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाएगी। ये व्यक्ति कौन सा जो प्रारंभिक पूछताछ में इस व्यक्ति का नाम जो इसने बताया है रमलू है और ये विलेज डाटा का ही है, और इस बारे में अभी और हम इससे पूछताछ करेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे।